सपनों का शहर, दुनिया की सबसे बड़ी एंड रिच फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड का घर, दुनिया की एंटरटेनमेंट एंड फाइनेंशियल कैपिटल, देश का सबसे अच्छा और वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, गुड और बैड। हम इसे मुंबई की लाखों महिलाओं के लिए घर से बाहर निकल के काम करने के लिए कैसे सेफ बना सकते हैं, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सेफ ना होना एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है, खास करके विमेंस के लिए। आज मैं आपकी होस्ट माधुरी मोमगाई आपका मैप ऑफ मी मॉर्निंग शो के एपिसोड पे स्वागत करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मुंबई नगरी के वासियों को मेरा सलाम और नमस्ते। मैं हूँ आफिया और मैं हूँ आपके शो की दूसरी होस्ट। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी मुंबई मॉर्निंग शो। मैप ऑफ मी मुंबई क्या है ये तो आप जान ही चुके हैं। मैप ऑफ मी मुंबई एक ऐसा शो है जो आपको वो सारे स्किल सीखने में मदद करता है जो आपके करियर की शुरुआत के लिए बहुत ही जरूरी है। और हमारे शो में आप उन सारे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने आप ही की तरह अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वो अपने फील्ड में काफी सक्सेसफुल है। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे शो के साथ। आप आज हमारे साथ इस शहर को भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि लोग इस शहर को सेफ बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं ताकि लाखों यंग वुमेन काम पर जा सके। हर एपिसोड के आखिर में एक क्विज है इन विच यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस, फॉर विच लॉग इन इनटू www.mapofme.in। सो साथ ही हमारा 26 स्टेप चैलेंज लेकर भेजें सो दैट हम आपका करियर लॉन्च करने में हेल्प कर सके। पता है एक शहर को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से ना ही आप उस सिटी के बारे में जान लेते हैं बल्कि आप वहाँ के लोगों से भी मिल पाते हैं। एंड यस, एज वी ऑल नो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसका बेस्ट तरीका है फील्ड रिसर्च, द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर डिजाइन थिंकिंग। व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग? डिजाइन थिंकिंग इज द ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। टू नो मोर अबाउट द सेम, लॉग इन टू mapofme.in एंड टेक 26 स्टेप चैलेंज एंड लर्न all about design thinking. That's why I love 26 step challenge. Go for it guys. So public transport ki topic par wapas aate hain to samay aa gaya hai ki hum Mumbai ke public transport ke jo commuters hain unse baat kare aur ye jane ki public transport ki kya halat hai. Aap mujhe batayenge Mumbai ka traffic acha hai ya bura? It's very horrible. Mumbai ka traffic acha hai ya bura? Acha hai. Traffic alag hai, upar se roads acche nahi hai, kafi bura hai. मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ वो हर छोटी छोटी गलियों को और हर स्ट्रीट्स को एक दूसरे से कनेक्ट भी करता है और काफ़ी रीजनेबल भी उसके फेयर्स है, मतलब इतना कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है, सो आई फील अच्छा है बहुत। पर मैं फिर से एक बार और पूछ रही हूँ, क्या ये महिलाओं के लिए सेफ होगा? चलो किसी से पूछते हैं मिलकर। चलिए मुझे आप ये बताइए कि क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती हैं? हाँ हाँ मैं करती हूँ। तो डेली आप ट्रैवल करती हैं? हाँ डेली ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफिस का अप एंड डाउन रहता है तो डेली ट्रैवल। ओके, तो आप कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेली यूज़ करती हैं? मैं मोस्टली लोकल से जाती हूँ। यानी आप मुंबई लोकल से ट्रैवल करती है। सो तनु जी मुंबई लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती है तो फिर तो बहुत सारी इनके जर्नी के एक्सपीरियंस होंगे, तो चलो हम इनसे पूछते हैं। तो क्या लगता है आपको मुंबई का ट्रांसपोर्ट करना? मतलब हाँ मुंबई की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो काफ़ी कम्यूट बहुत ईजी हो जाता है एंड एट टाइम्स क्या होता है कि मुझे काफ़ी बार लेट नाइट हो जाता है तो ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस मामले में आई गेस कहीं ना कहीं सेफ्टी का इशू लगता है। जैसे अगर लेट नाइट जा रही हूँ तो ऐसा लगता है लोग ऐसा देख रहे हैं, जैसे मेंस होते हैं तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं 12-1 बजे ट्रैवल किया है मैंने लोकल में, तो
मतलब स्टेशन पे रुकी तो काफ़ी मेंस हैं, वो स्टेयर कर रहे हैं आपको, तो उस वैसे में काफ़ी अनसेफ फील होता है। ओके, तो आप मुझे ये बताइए, हम अपने लेवल पर ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे मतलब हम इस मुंबई के ट्रांसपोर्ट को सेफ बना सकते हैं? मेरे हिसाब से जैसे अगर मैं लोकल में ट्रैवल करती हूँ तो कभी कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे आपको खुद को डिफेंड करना पड़े, तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत बोल्ड होना पड़ेगा। यानी ये आप जो कह रही है बोल्ड होना पड़ेगा, ये एक स्किल है, तो यानी ये स्किल्स को हमें यूज़ करना चाहिए और सब में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अकेले तो आपको उनको टैकल करने का ये होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये स्किल होना चाहिए। तो यानी कि तनु जी का ये कहना है कि अगर आप मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें मतलब जो है पैसेंजर्स को टैकल करने की उनके अंदर स्किल होनी चाहिए, अपने आप को डिफेंड करने की स्किल होनी चाहिए और हम कॉन्फिडेंट और बोल्ड होने चाहिए कि ताकि किसी के साथ कुछ हमारा इंसिडेंट हो जाए तो हम अपने आप के लिए स्पीक अप कर सके। अपने इस जर्नी के बारे में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है आपके साथ जो आप हमसे शेयर करेंगे? हाँ, एक बार मैं ऑफिस से वापस आ रही थी एंड 12:30 हो गए थे एंड पूरे जर्नी में मतलब वो स्टेयर कर रहे थे एंड मैंने क्या किया, मतलब आफ्टर 5 or 10 minutes मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ तो मैंने सीधा उनको जाके बोला कि आप इस तरह से मुझे क्यों स्टेयर कर रहे हो। तो काफ़ी बोल्ड तरीके से कॉन्फिडेंटली बोला, इसलिए आई थिंक उन्होंने फिर देखना ही बंद कर दिया। तो आई गेस वो अपने में ही छोटा सा एक अचीवमेंट था। Exactly, it was truly an achievement and I believe जितनी भी women हैं हमारी मुंबई की जो public transport में जाती है, travel करती है, तो उनको भी bold and confident होना चाहिए तनु जी की तरह और उन्हें इस चीज़ का सामना करना चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। तो आप अगर मुंबई के public transport में travel कर रहे हैं तो ये skill आपके अंदर होनी चाहिए। Hello ma'am, welcome to our show. आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जरीना रमज़ान अली बेग है, मैं 2007 से टैक्सी सर्विस में वर्क कर रही हूँ। पहले मैं नौकरी करती थी, एक्चुअली ये लेडीज़ टैक्सी है जो महिलाओं के लिए हमने शुरू किया था 2007 में, ड्रिवन बाय वुमेन फॉर वुमेन। मैं गरीब लड़कियों को चाली में से निकाल के और कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के उनको 3 महीना हम लोग ड्राइविंग सिखाते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप स्कूल में जाओगे वो 20 दिन के कोर्स में कोई भी ड्राइवर नहीं बन सकता है, मिनिमम 90 डेज उनको कंटिन्यू मैं गाड़ी सिखाती हूँ, स्टार्टिंग में आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 7 घंटा, ऐसे करते करते उनका हाथ बैठता है। उसके बाद मैं सबसे पहला मेरी फैमिली को भेजती हूँ कि आप समझो ये कस्टमर है और आप टैक्सी चला रहे हो, इनको घुमा के ले आओ, ताकि हम उनको मार्केट में उतारने से पहले टेस्ट कर लें कि कैसे हैं। इतना सब मेहनत करने के बाद में भी अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है, तो मीनिंग अब एकदम मेरा भी दिल टूटता जा रहा है। मोस्टली मैंने देखा है लेडीज़ बहुत सेफ ड्राइवर होती, मैं लेडीज़ हूँ इसलिए आपको ये नहीं बता रही हूँ, मोस्टली आप कोई भी लेडीज़ को देखिए, लोगों का मानना है लेडीज़ को गाड़ी चलाने नहीं आती। अरे भाई, आप लोग पीछे से इतना हॉर्न बजाते हो कि वो बेचारी कन्फ्यूज़ हो जाती है, वो सोचती मैं क्या करूँ, और जेंट्स को क्या, गाड़ी बंद करके बैठ जाता, बोलता बजाते रहे, जब मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी मैं चलूँगा। हमारा आप एक्सीडेंट रेशियो देखिए, आप जेंट्स का देखिए, उसके बाद आप बात कीजिए ना कौन सेफ है कौन सेफ नहीं है। हम ओवर स्पीडिंग नहीं चलाते, हम अपनी लिमिट के हिसाब से ही गाड़ी चलाते हैं। आपका कंपनी का नेम क्या है जिससे आप? एक्चुअली मैं पहले किसी और कंपनी के लिए काम करती थी, 2010 में मैंने अपना कंपनी रजिस्टर किया था पिंक कैब्स करके, तो पिंक कैब्स के लिए ही मैं फिलहाल काम कर रही हूँ। तो जब आपने शुरू किया था तो कुछ मुश्किलें आई थी आपको शुरू करने में? मुश्किलें तो आज तक आ ही रही है ना, बिकॉज बिजनेस नहीं है। मुझे जिंदा रहने के लिए 2 से 2500 रुपये का बिजनेस चाहिए रोज। एक औरत, आप बताइए, एक आप भी लेडीज़ हो, आप घर में पहले अगर आपकी शादी हो गई है तो फर्स्ट आप पूरा घर का वर्क करेंगी फिर बाहर निकलेगी। ये सब देखने के बाद में मुझे वर्क भी करना है और उसके बाद अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है ना ये। तो आप एक वुमेन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो आपने और भी लेडीज़ ड्राइवर होंगे आपके कंपनी में, तो आपके कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है आपने, कितनी वुमेन ड्राइवर्स हैं आपकी कंपनी? एक्चुअली मैंने अभी तक 350 लेडीज़ को गाड़ी चलाने सिखाया है, जिसमें से 100 लड़कियां रोड पे चल रही है, 250 लड़कियां अभी भी घर में बैठी है, बिकॉज हमारे पास बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो हम कहाँ से वर्क देंगे। जैसे हर कंपनी में गवर्नमेंट अगर फिक्स कर दे कि एक लेडीज़ टैक्सी आपको रखना ही है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, एक लेडीज़ को भी आप देंगे काम, कोई हज़ारों में तो ड्राइवर है नहीं, 1000 बनने के लिए अभी और 10 साल जाएंगे, और बनाए भी कैसे, क्योंकि खर्चे ही पोसाएंगे नहीं,
बिजनेस नहीं है इसलिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल जितनी भी ड्राइवर है 200 500 जो भी है, आप एक एक इतना तो मुंबई में हम दे ही सकते हैं। 500 अगर लेडीज ड्राइवर को आप नहीं दे सकते मुंबई में काम, तो कोई मीनिंग ही नहीं है इतनी बड़ी माया नगरी का। बट आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, व्हाट अ रिमार्केबल थिंग मैम। मैम आज आप हमको बताइए, हमारी गवर्नमेंट इतने ब्रिजेस बना रही है, सीलिंग बना रही है, इतना पैसा उधर लगा रही है, तो अगर ये पैसा कहीं और जगह इस्तेमाल किया जाता और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही किया जाता तो वो क्या करना चाहिए था, ये पैसा कहाँ लगाना चाहिए सरकार को? नहीं, ब्रिज वगैरह जो बना रहे हैं ये हमारी फैसिलिटी के लिए ही है, लेकिन इससे जो ट्रैफिक हो रहा है, जिस ट्रैफिक में हम घंटों घंटों फंस जाते हैं, अभी जो 1.5 साल से कोरोना की वजह से बंद था, उस टाइम में इन लोगों को काम कर लेना चाहिए था, वो अच्छा टाइम फ्रेम था उस टाइम इनको काम करने का, लेकिन किसी ने नहीं किया, गरीब बेचारे पैदल गए, रास्ते में मर गए। ये अगर सब रोक लेती गवर्नमेंट उस टाइम पे, तो ये लोग काम करते रहते थे और काफ़ी हद तक के चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। तो मैम आप कुछ सम अप करना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी हमारे गवर्नमेंट से और यूथ से? सबसे पहला मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले मैं एक बस स्टॉप पे खड़ी थी और बारिश, बहुत अचानक बारिश हो गई थी। एक औरत अपना बच्चा लेके आई थी और हर टैक्सी वाले को बोल रही थी मुझे बॉम्बे सेंटर जाना है, तो वो नहीं बोल रहा था, और वो बारिश में इतनी भीग रही थी, उसका बच्चा भीग रहा था, उसका पूरा बदन दिख रहा था, मुझे इतना इंसल्ट लग रहा था। अगर यही टैक्सी कोई लेडीज़ चलाती तो कम से कम इंसानियत के नाते तो उसको बिठा ली होती थी, बिकॉज़ मुंबई की बारिश का भरोसा नहीं है कि आज आएगी या कल आएगी, टाइम हो जाता, कभी भी अचानक आ जाती। इस तरीके से वो बेचारी भीग रही थी, तभी मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि अगर ये लेडीज़ कोई टैक्सी चलाएगी तो कम से कम ये तो एक डिसेंसी से उनको इंसानियत के नाते बिठा लेगी कि बिकॉज उसका पूरा जिस्म दिख रहा है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भाई किसी भी तरीके से आप हर जगह एक लेडीज़ टैक्सी को अलाउ करवाइए, हर कंपनी में, हर होटल में, हर जगह जहाँ तक मुमकिन हो सके। इस चीज़ को आप लोग सब प्लीज़ यूथ ध्यान से सुनिए, और ये सब हम ट्राई करेंगे कि लेडीज़ एंटरप्रेन्योर, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को हम कैसे आगे पहुंचा सकें। प्लीज़ सब सुनिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर को जगह दिलानी है, इक्वल राइट्स दिलाने हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो आपके प्रोफेशन है, आप ये बोट चलाते हैं, इसमें महिला वुमेन्स बहुत कम दिखती हैं, ऐसा क्यों है? हर एक फैमिली तो बड़ी नहीं होती, ठीक है, मान लीजिए 5 पीपल्स की फैमिली है, उसमें 3 भाई है, 2 सिस्टर्स है, ठीक है, 2 सिस्टर शादी करके चले जाते हैं, अभी 3 भाई है, 3 भाई है में से आज के डेट में अगर आप देखा जाएगा तो 50% फिशिंग के लिए जा रहे हैं, बाकी जॉब पे जा रहे हैं। वो जॉब देखने के बावजूद जैसे उनको टाइम मिलता है, छुट्टी के दिन बोलिए या फिर इवनिंग टाइम में बोलिए, काम पे से आने के बाद, तो वो फिशिंग के लिए जाते हैं। अभी फीमेल्स का कैसा है, फीमेल्स का जो उन लोग फिशिंग करके लाते हैं उसमें से 90% लोग ऑक्शंस में नहीं जाते, वो डायरेक्टली मार्केट में हम लोग उनके जो वीमेंस है, फैमिली मेम्बर्स है, वो सेल करने चले जाते हैं। अगर आप बोलेंगे क्या नहीं वहाँ पे भी वीमेंस चाहिए, तो वो कोर्ट ऑफिस थोड़ा डिफिकल्ट लगे कि वो सुबह शाम 2 टाइम बेचने जाते हैं, वो करके भी फिशिंग जाएंगे, तो मेल्स को तो उसमें हद भर लग जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग हैंड्स हो जाएगा उनके लिए, बट दोनों जगह हैंडल करने के लिए उनको दिक्कत तो आएंगे ना मैडम। तो आप बोल रहे हैं वो बोट चला सकते हैं पर उनके पास टाइम नहीं है, क्या पैसा? ओके, तो वो बोट चलाने में विमेंस इधर बोट चलाने में थोड़ी ये है क्या, मतलब कंफर्टेबल फील करती हैं, उनको आता है? कोई कोई विमेंस को आता है, बिकॉज कैसे छोटी जो नाव रहती है, अब आप देखेंगे ये जो ट्रोलर्स है, ये छोटी फिशिंग नाव है, इससे भी एक छोटी आती है विदाउट मशीन्स की, उसमें भी है ना उनके हस्बैंड के साथ बोलिए, उन लोग जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जहाँ पे 2 मेंबर्स की ज़रूरत है वहाँ पे कोई आया नहीं है, और वीमेंस को अगर टाइम मिला तो वो उनके साथ चली जाती है, जैसे कि क्रैब्स होता है, ठीक है, छोटी फिश रहते हैं वो, या फिर जाली जो डाल के आए हैं वो खींचने के लिए, तो वो चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते, बट इट्स वेरी रेयर सीनरियो में चले जाते हैं ऐसा। पर आपको कैसा लगेगा अगर विमेन ही लीड करे बोट को, आप चाहते हैं क्या इस बिजनेस में विमेन आगे लीड करे? क्वाइट ऑब्वियस, मतलब हम ये नहीं चाहते आज की सोसाइटी की काम बट जाए, कि ये विमेन का काम है बेचना तो वो बेचेगी, आदमी का काम है बोट चलाना तो वो करेंगे। हम आजकल सोसाइटी में शायद नई सोच ऐसा बोल रही है कि आप काम बांटिए नहीं, कहीं ठप्पा नहीं लगाइए कि ये औरत का ही काम है और ये औरत करेगी और ये नहीं कर सकती, आपका क्या मानना है? करना तो चाहिए, देखिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो औरतें इंसान आदमी के बराबर चल रही है, ठीक है, और ये एक फिशिंग का जो बिजनेस है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कैसे है उसको तैरना भी आना ज़रूरी है, अगर वो बेटर स्विमर नहीं बन सकती तो उसको रिस्क है, वो पहले डरेगी, चढ़ने के पहले डर जाएगी वो,
हाँ एक बार उसको स्विमिंग आ जाएगा। और ये मेंटेलिटी है ना, ये माइंडसेट उनके फादर एंड मदर ने ना बचपन से उनके दिमाग में जैसे बेटा तुझे ये भी करना है, तो कैसे रहता है, एक बार माइंडसेट बन जाता है ना तो बच्चे भी सोचना चालू करते हैं बड़े आपको अपन ये बनेंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं सिर्फ ये आपका ही मानना नहीं है, ये बचपन से ही छोटे से ही माँ बाप हो चाहे आपके टीचर्स हो, आपको उनकी सोच आपको बदलनी है, तभी वो आगे जाके कॉन्फिडेंट फील करेंगे और उन्हें पता है हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। जब आप लोग कहेंगे आपको ये काम करना है, आप शुरू से उनको नेगेटिव बोलेंगे आप नहीं कर सकती, ये आपका काम नहीं है, आपके भाई का काम है, ये आपके पापा का काम है, तो फिर मेंटालिटी वैसे ही हो जाती है, सोच आपको बदलनी है पहले। ओके, जैसे आपने बोला कि विमेंस कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो मैं भी आपसे ये पूछना चाहूंगी ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर उनको बोट चलानी है तो उन्हें ऐसे कौन से स्किल्स आनी चाहिए, जैसे आपने एक बोला स्विमिंग आनी चाहिए, और ऐसी क्या स्किल्स हैं जो उन्हें आनी चाहिए अगर वो अकेली जा रही है तो बोट पे। नेट को कैसे हैंडल करते हैं, नेट यानी जाली जो फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, अगर वो विदाउट इंजन के नाव में अगर फिशिंग करने के लिए जाए, ठीक है, तो उसके लिए एक ये रहता है फलती जैसे कहते हैं जिससे नाव हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चप्पू, हाँ यू कैन से चप्पू, हाँ हिंदी में उसको चप्पू बोलते हैं, ठीक है, कोहली में फलती बोलते हैं उसको, ठीक है, वो चलाना आना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंजन में जा रहे तो इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक बटन स्विच इंजन्स नहीं है, वो हैंडल खींच के उसको स्टार्ट करना पड़ता है, ये एक चीज़ है। नेट का हो गया और स्विमिंग, ये तीन चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर ये आ जाए तो बाकी तो ट्रेनिंग तो मिल ही जाएगी। ऐसा तो आप बोल रहे हैं नॉलेज, ट्रेनिंग और मोटिवेशन उनके माँ बाप से और उनके गुरु से, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और कोई भी महिला यहाँ उतर सकती है बेझिझक कॉन्फिडेंट होके। ओके, तो आप इतने टाइम से हैं, कुछ चैलेंजेस आए हैं क्या आपको ये करते टाइम? काफ़ी कुछ दिक्कतें आती है, मोस्ट प्रोबेबली तो जब रेनी सीजन होता है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है हम लोग नाव का रिस्क होता है टूटने बिटने का रहता है, तब तूफान तो आते रहता है, उसके वजह से हम लोग क्या किनारे पे लगाते हैं, फिर ये नाव कम से कम 2 महीने तक हम लोग किनारे पे रखते हैं, और वो स्टार्ट होता है हमारे फेस्टिवल से नारी पूर्णिमा, वहाँ पे हम लोग जाके दरिया को पूजा करते हैं, शिव को पूजा करते हैं, फिर उतारते हैं, फिर वापस से फिशिंग स्टार्ट हो जाती है। विमेंस के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जैसे इन्होंने बताया आप छोटे से ही सीखिए, अपना ड्रीम्स बड़ा रखिए, ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ मेंस का ही काम है या मेंस सेंट्रिक काम है, नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, आप छोटे से ही मोटिवेट होके चलिए, सिर्फ नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो हम जनरली सुनते हैं कि जो भी मेंस होते हैं वो बोलते हैं यार विमेन गाड़ी चला रही है, कैसी चला रही है, क्या कर रही है, इन लोगों को गाड़ी देता कौन है। ये ऐसे कोच हैं, तो आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या विमेन को गाड़ी चलानी चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चलानी चाहिए, क्यों नहीं चलानी चाहिए, दिस इज़ माय क्वेश्चन। दूसरी बात, जो ये मेन बोलते हैं कि विमेन अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर सकते एंड ऑल, आई जस्ट फील दे आर वेरी इनसिक्योर्ड कि यू नो क्या होता है कि कभी कभी हम करते हैं ना कुछ एक गलती अपने से हो जाती है बट किसी दूसरे पे डालते हैं, वो वैसा वाला हिसाब है यहाँ पे कि अगर किसी बंदे से गलती हो जाएगी बट अगर वो देखता है कि सामने वाली गाड़ी में एक लड़की गाड़ी चला रही है तो वो अपने आप बोल देते हैं कि अरे वो लड़की की ही गलती है, और वो एक ऑलरेडी जैसे आपने बोला कि समाज में वैसा हो गया है कि लड़की चला रही है मतलब वो गाड़ी ठोकेगी या यू नो शी कैन नॉट ड्राइव वेल, सो दिस इज़ अ वेरी आई थिंक अ स्टूपिड थिंग टू इवन से। आज की डेट में लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती है, एंड अगर आपने देखा होगा तो फॉर्मूला 1 में भी लड़कियां ड्राइव करती है, तो ये कम्प्लीटली गलत बात है कि लड़कियां अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकती। सोच अभी थोड़ी थोड़ी चेंज होनी भी लगी है बिकॉज आई हैव सीन मेरे कुछ दोस्त वगैरह जो है वो मुझे खुद ही बोलते हैं कि रीना पहले ऐसा होता था अब ऐसा नहीं होता है, एंड टू सम एक्सटेंट चेंज हुआ है बट मेजरली ऑफ कोर्स चेंज होना जरूरी है। मुंबई में आपको क्या लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी विमेन ड्राइवर्स को एनकरेज किया जाना चाहिए, जैसे कैब्स टैक्सी वगैरह हैं, उसमें आपकी क्या राय है, आप क्या बोलना चाहिए? ऑफ कोर्स आई फील विमेन ड्राइवर्स को करना ही चाहिए आपको एनकरेज, और अभी वो हो चुका है, आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे कैब ड्राइवर्स है जो लेडीज है, रिक्शा ड्राइवर्स है जो लेडीज है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल जो दुनिया में चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा सेफ्टी इशू भी होता है, कुछ फीमेल्स को थोड़ा सेफ लगता है कि अगर आपकी कैब ड्राइवर या आपकी रिक्शा ड्राइवर अगर लेडी ड्राइवर हो तो जो कम्यूट कर रहा है उसमें उसको भी थोड़ा सा सेफ्टी फील होती है, तो आई फील अगर आप इनक्रेज करेंगे लड़कियों को ड्राइविंग के लिए एंड कैब ड्राइविंग के लिए या इवन आई विल से बेस्ट मतलब बसेस के वगैरह ड्राइविंग के लिए,
सो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी नाइस थिंग एंड एक अच्छा मतलब समाज के लिए एक अच्छी चीज़ होगी वो। कई लोग बोलते हैं कि जैसे टैक्सी में अगर विमेन ड्राइवर्स हैं तो वो अगर वो नाइट राइड पे जा रही हैं उनके साथ कोई है तो उनको सेफ नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है मतलब इसके लिए उनको कुछ स्किल सीखने की ज़रूरत है? मैं ये मानती हूँ कि लड़कियाँ जितनी स्ट्रांग होती है अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उतना डरना चाहिए। और जैसे आपने बोला वैसे थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज ऑफ सेफ्टी के हिसाब से अगर आप मेजर्स कुछ रखेंगे आपके साथ, एक कोई चीज़ एक आप रखेंगे रात को वगैरह ड्राइव करते वक्त, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ डिफ़िकल्टी होगी। अगर आपने वो एक स्टेप लिया है कि मुझे आज कैब ड्राइवर बनना है, विच मीन्स आप उस घर से बाहर निकले हो और आपने वो प्रोफेशन चूज़ किया है, तो आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ आई थिंक क्यों अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी हो सकती है, तो सेफ्टी का इतना इशू नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर आपने मन में ठान लिया है कि मैं करूंगी तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और आपको क्या लगता है कि अगर विमेन्स को ऐसी स्किल्स आ जाए लाइक टाइकवांडो, कराटे या कुछ ऐसी स्किल्स है तो पेपर स्प्रे की जरूरत नहीं है फिर? बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप देखेंगे तो काली माता भी तो औरत ही है, आपके अंदर की बस काली माता को आप जगा दो तो सामने वाला बंदा डर ही जाएगा। मैं सभी औरतों को ये बोलूँगी कि आपके अंदर की एक शक्ति को आप पहचानिए, आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कल को आपका कैब ड्राइवर नहीं आया, आपका ड्राइवर नहीं आया, आपके पति बाहर नहीं जाना चाहते, आपने गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी निकाली और आप निकल गए। सो आई ऑलवेज फील दैट आप अगर गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपके हाथ में एक पावर आ जाती है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो वो चीज़ डेफिनेटली करनी चाहिए। इससे पहले कि हम आज आपसे विदा लें, आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्विज क्वेश्चन। ए, मुंबई का ट्रांसपोर्ट का ट्रांजिट सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? बी, क्या महिलाएं बस एंड ट्रेन ड्राइव कर सकती हैं? हम आपसे कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसा ही आपकी जिंदगी से जुड़ा मुद्दा लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी खाना खाइए, अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए मैप ऑफ मी।